तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जोसा, जैक और सीसेप काउंसलिंग के बीच क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जोसा और जैक के बीच क्या डिफरेंस है। जो जोसा काउंसलिंग है उसका पूरा नाम हो गया सीट एलोकेशन अथॉरिटी, और वहीं जो जैक है उसका पूरा नाम हो गया जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग के थ्रू आप IITs, NITs और GFTI में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं जैक काउंसलिंग के थ्रू आप NSUT, DTU, IIIT दिल्ली और IGDTU डब्ल्यू में एडमिशन ले सकते हैं। जो जोसा काउंसलिंग होता है वो मेनली 7 राउंड का ही होता है, और वहीं जो जैक काउंसलिंग वो 3 ही राउंड का होता है। वहीं जैक काउंसलिंग के लिए आपको JEE मेंस में ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है। वहीं जोसा काउंसलिंग में आपको रैंक ज़्यादा या कम से मतलब नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जोसा काउंसलिंग पे में आप कैटेगरी रैंक के बेस पे ही भी एडमिशन हो जाता है, वहीं जैक में कैटेगरी रैंक नहीं देखी जाती है। अब हम बात करते हैं सीसेप काउंसलिंग के बारे में। सीसेप यानी कि सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, ये एक स्पेशल राउंड है जो कि जोसा काउंसलिंग के बाद होता है। ये राउंड जब होता है जब NITs, IIEST, IIITs और GFTI में जब वैकेंट सीट बच जाते हैं तो उसको फिल करने के लिए सीसेप काउंसलिंग होता है। इसमें आप इसके थ्रू आप IIT में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये इसमें एडमिशन के लिए आपको JEE मेंस का CRR रैंक कंसीडर किया जाता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप जोसा में पार्टिसिपेट किए थे या नहीं किए थे, आप सीसेप के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मेनली डिफरेंस था जोसा, जैक और सीसेप काउंसलिंग के बीच। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।